हम सब यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर और इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की ओर से आज यहाँ जंतर मंतर पोल नंबर 8 पे सब एकत्र हुए हैं। आप सबको मालूम है कि आज से 6 साल से ज्यादा 15 जून 2015 से हमने इसी जगह से वन रैंक वन पेंशन का मेन मुद्दा और दूसरे मुद्दे जो एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए और उनके डिपेंडेंट्स के वेलफेयर के लिए हैं हमने आवाज उठानी शुरू करी। असल में ये आवाज 27 अप्रैल 2008 से शुरू हो गई थी। एक यहीं पे एक बहुत बड़ा हमने रैली करकर जिसमें तकरीबन 50,000 एक्स सर्विसमैन आए थे अपना ये मुहिम को शुरू किया था। इस लंबी मेहनत में आप सब हमारे साथ रहे, पूरे देश भर में से फैमिलीज बच्चे एक्स सर्विसमैन और हमारा क्या इनिशियली 3-4 इश्यूज थे जो कि सरकार ने वायदा किया था कि हम पूरा करेंगे लेकिन ग्राउंड पे वो पूरे नहीं हुए। 15 सितंबर 2013 को प्रधानमंत्री जी जो उस वक्त नॉमिनेट हो रखे थे 7 सितंबर 2013 को नॉमिनेट हुए और उन्होंने 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में एक रैली करी। वहां पे उन्होंने वायदा किया और बोला सबको जहां 4-5 लाख एक्स सर्विसमैन आ रखे थे कि अगर पहले पिछली बार जब इलेक्शंस हुई थी 2004 में अगर उनकी सरकार आई होती तो उस वक्त ये वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा होता ही नहीं। और उन्होंने ये वायदा किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आप सबको वन रैंक वन पेंशन जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। साथियों ये आप सबको मालूम है लेकिन हम दोहरा रहे हैं आज, क्योंकि आज हमारे इस मुहिम के 2300 दिन पूरे हुए हैं और सिंबॉलिकली हमने वैसे अपना मूवमेंट को सस्पेंड किया हुआ है लेकिन सिंबॉलिकली हम आज एकत्र हुए हैं थोड़े समय के लिए याद करने के लिए इस पोल नंबर 8 को कि यहाँ पे हम बैठकर अपनी आवाज उठाई सरकार से अपने 3-4 मुद्दों को पहले लेने के लिए। सबसे वो था वन रैंक वन पेंशन। सरकार ने इस कॉन्सेप्ट को माना, डेफिनेशन दी, लेकिन जब लागू करने की बारी आई तो उन्होंने फिर भी जो लागू किया वो असली वाली वन रैंक वन पेंशन नहीं है। साथियों दूसरा मुद्दा था जो हमारे एक्स सर्विसमैन का रीसेटलमेंट। आप सबको मालूम है कि हमारे उस वक्त कुछ रिजर्वेशन थी, कोटा डी ग्रुप, सी ग्रुप, बी ग्रुप और ए ग्रुप का कोई कोटा नहीं था, लेकिन अभी कुछ दिनों से पता लगा है कि चारों ग्रुपों का रिजर्वेशन है 25% गवर्नमेंट की सभी जॉब्स में और स्टेट की जॉब में। साथियों ग्राउंड पे अभी तक ये लागू नहीं हुआ था, तब भी नहीं लागू था। हमने ये गुहार लगा रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमें असली वाली वन रैंक वन पेंशन और हमारे जो रीसेटलमेंट है हमारे फौजियों की, एक जवान 35 साल का घर आ जाता है, JCO साहबान 42 से 45 साल और ऑफिसर साहबान 54 साल में घर आ जाते हैं। और साथियों ये नहीं हुआ। तीसरा था कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने कोई भी कमेटी या कमीशन बैठता था तो उन्होंने हमारा कोई मेंबर नहीं रखते थे। हमारे चीफ रिक्वेस्ट करते रहते किसी कमीशन में हमारा कोई मेंबर नहीं और किसी कमेटी में हमारा कोई मेंबर नहीं। उसकी आवाज़ उठाई कि हर कमेटी और हर कमीशन जो फौजियों की